हेलो फ्रेंड्स, आज हम छत पे आए हैं घूमने के लिए। बच्चों को घुमा रही हूँ, है ना? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। और नीचे देखो बच्चों की नानी क्या कर रही है, दादी नानी। चलो हेलो करो। दादी नानी बोलो। नानी नानी मेरे तो देख रहा बच्चे खेल रहे थे पार्क में। कितने सारे बच्चे हैं। हाँ उधर देखते हैं, उधर देखेंगे। चलो उधर देखा कैसा लग रहा है। ये बसों की फैक्ट्री है, ये टाटा मोटर्स है ना। क्या मीठे में क्या खाओगे तुम लोग? काजू कतली। चलो तो आज हम बनाएंगे काजू की बर्फी। ये काजू कतली कैसे बनाते हैं? काजू कतली के लिए हमने लिए है एक कटोरी काजू, और जितने काजू उतनी ही हम लेंगे चीनी। ठीक है, अब हम गैस को करते हैं ऑन। हमने ये काजू पीस लिए, ठीक है। अब हम इसमें चाशनी बनाते हैं। ये कढ़ाई में मैंने एक कटोरी चीनी डाली और उसमें हमने डाला थोड़ा सा पानी। अब चाशनी तैयार है। अब इसमें हम अपना काजू का ये सारा पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इस तरह हिलाते रहना है ताकि नीचे चिपक ना जाए, और जब तक एक आटे की शेप में ना आ जाए पूरा एक, तब तक। और आँच मंदी रखिए। अब ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है और इस टाइम पे हम गैस कर देंगे बंद। अब हमने काजू कतली का था पेस्ट था, उसमें थोड़ा सा कलर मिला के इनको शेप दी है। और यहाँ देखिए मैंने ग्रीन कलर की और वाइट कलर की मिक्स करके बनाई है। अब हमने इसको ना एक स्ट्रॉबेरी का शेप दे दिया है। अब हम इस पर लगाएंगे ग्रीन कलर की पत्तियाँ। थोड़े से पेस्ट में हमने ग्रीन कलर मिला लिया था। ये देखिए ये हमारी बिल्कुल लग रही है ना स्ट्रॉबेरी शेप की। छोड़, मैंने चालू कर दी। अब ये देखिए हमने अपनी काजू कतली को स्ट्रॉबेरी की शेप दी। आप कोई भी कलर मिला के कोई भी फ्रूट बना सकते हैं। अब देखिए कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये काजू कतली वाली मिठाई कैसी लगी, और ख़ुद भी बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके देन, बाय।